आप लोगों ने जो बात की होप दिलाया गुनाह के हवाले से, मैं एक और साइड पे होप दिलाना चाहता हूँ उन लोगों को हु आर वेरी ट्रबल्ड, वरेड, कांट गेट मैरिड. बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी शादियाँ नहीं हो रही, फाइनेंशियल क्राइसिस, इश्यूज विद फर्टिलिटी, हेल्थ इश्यूज वगैरह वगैरह. अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनडीड आई नो अ वर्स टू विच इफ़ द पीपल हेल्ड ऑन इट वुड बी सफिशेंट फॉर देम. सही हदीस. कौन सी वर्स? वमई यत्तकिल्लाहा यजअल्लहू मखरजा व यरज़ुकुहू मिन हैसु ला यहतसिब वमई यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह. और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आफ्टर रिसाइटिंग द अबव वर्स, इफ द पीपल वर टू अप्लाई दिस वर्स इन देयर डेली लाइव्स, दे वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द डाउट एंड डिस्ट्रेस ऑफ द वर्ल्ड, द डिस्ट्रेस ऑफ डेथ एंड द डिस्ट्रेस ऑफ द डूम्सडे. और फिर एक और हदीस है, ओ माई सर्वेंट्स, वर द फर्स्ट ऑफ यू एंड द लास्ट ऑफ यू, द ह्यूमन ऑफ यू एंड द जिन ऑफ यू टू राइज अप इन वन प्लेस एंड मेक अ रिक्वेस्ट ऑफ मी. And were I to give everyone what he requested, that would not decrease what I have any more than a needle decreases the sea if put into it. This is Allah subhanahu wa ta'ala. ग़ालिबन ये हदीस कुदसी है. हदीस कुदसी है कि मांगो, खुल के मांगो. कितना अंडर एस्टिमेट तुम अल्लाह को कर रहे हो, इतना छोटा मांग रहे हो. खुल के मांगो, अल्लाह ताला लॉर्ड ऑफ द इम्पॉसिबल है. मैं यहाँ पर एक वाक्या सुनाना चाहता हूँ दिल को नरम करने के हवाले से. इसी आयत से रिलेटेड मुझे याद आया, डॉक्टर ईशान का वाक्य है और मुफ्ती मैंक ने गालिबन सुनाया था या बहरहाल वाक्य ऑथेंटिक है, यूट्यूब पर बड़ा मशहूर ये वाक्य है. डॉक्टर ईशान एक न्यूरो सर्जन है और वो फ्लाई कर रहे थे गालिबन सऊदीया से किसी कंट्री में, बहरहाल किसी कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे थे. रास्ते में कहते हैं कि बहुत तूफान, ठंडर, मौसम बड़ा ख़राब हो गया, जहाज़ एक जगह रुक गया एक एयरपोर्ट पर बीच में. मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि यार मुझे पहुंचना है वहाँ, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है, ऑपरेशन है वगैरह वगैरह. तो पायलट ने कहा कि नहीं हम नहीं ले जा सकते आप, ये है कि कोई कार करा के, जीप करा के चले जाएं, वो करीब ही है जगह, इतनी को दूर अब नहीं रही. कहते ठीक है, हमने गाड़ी कराई. गाड़ी करा के हम जा रहे हैं तो तूफ़ान मज़ीद तेज़ हो जाता है और हम इत्तफाकन एक घर के सामने रुकते हैं. वहाँ पर मैं नॉक करता हूँ तो एक बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है, बड़ी काइंड थी. हमने उससे कहा जी हमें अंदर आने दें, बारिश बहुत है, हम ज़रा थोड़ा देर रुक के चले जाएंगे. हमने अपने आप को फ्रेश किया, देखते क्या है कि एक बच्चा ज़मीन पर लेटा हुआ है गद्दे पर और वो बूढ़ी अम्मा बार बार उसके सर को दबा रही है और बड़ा परेशान है उसके बारे में. कहते मैंने पूछा कि क्या मसला है इस बच्चे को, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई ब्रेन का मसला है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो बहुत मुश्किल है यहाँ के डॉक्टर्स के लिए. तो उन्होंने कहा मुझे बताएं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे बड़े वाकफियत है. तो बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ हमें डॉक्टर्स ने एक बड़े मशहूर डॉक्टर का नाम बताया, तो लेकिन ये कि ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं ना मैं कोई मतलब कांटेक्ट कर सकती हूँ उससे, ये बच्चा यतीम भी है, मैं इसकी दादी हूँ, इसकी टेक केयर कर रही हूँ. उसने कहा मुझे बताएं, मैं उस डॉक्टर का पता करूँगा. यू हैव बीन सो काइंड टू मी, शी सेड के डॉक्टर ईशान. अल्लाह अकबर. वो कहते हैं कि उसी वक्त मुझे रोना आ गया और उन्होंने कहा कि आप क्या मतलब कर रही थी, आप अल्लाह से दुआएं कर रही थी, क्या था ऐसा कि अल्लाह मुझे यहाँ पर ले आया. He said कि पता नहीं, मैं तो बस इस्तग़फ़ार बहुत करती थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और मैं अल्लाह से कहती थी कि अल्लाह हम तो नहीं जा सकते, बस किसी तरह तू ज़रिया बना दे, ये बच्चा तेरे सामने है. तो हदीस है ना कि जो इस्तग़फ़ार बहुत करता है अल्लाह उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते बनाता है कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता. तो अल्लाह की फ़ौज को एस्टिमेट ना, अंडर एस्टिमेट ना करें. अल्लाह की फ़ौज में फिर क्या क्या चीज़ें हैं ये आप सोच भी नहीं सकते. अल्लाह ने किस तरह उन्हें वहाँ लाना है, कैसे लाना है, कैसे आपकी मदद करनी है, वही वमई यत्तकिल्ला या अल्लाहु मखरजा. तो मेरी गुजारिश है लोगों से, वो मायूस ना हो, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह को पहचाने, और अल्लाह को पहचाने, और ये बात याद रखें कि दुनिया की ज़िंदगी अल्टीमेटली असल ज़िंदगी तो है नहीं. यहाँ जो मिल जाए उस पर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेटफुल, जो ना मिले वो अल्लाह से ही मदद मांगें कि अल्लाह मुझे तकवियत दे, अल्लाह मुझे पर्सपेक्टिव दे, अल्लाह मुझे विजडम दे, सकत दे, और उम्मीद जारी रखें. ना उम्मीद कभी ना हो, यकीन करें. ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं मेरे पास, अभी टाइम इजाज़त नहीं देता. जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, जो लोग, जो कपल्स मायूस थे औलाद के हवाले से, किस किस तरह अल्लाह ने उन्हें औलाद दी है, वो ऐसी स्टोरीज़ हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, किस तरह इंतज़ाम अल्लाह ने किया, कैसे वो मामला पेश आया. बस वो अल्लाह के करने हैं.
तो मायूसी जो है मैं समझता हूँ वो मोमिन को बिल्कुल ज़ेब नहीं देती है। अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करें और अल्लाह ताला से तकवियत मांगते रहें और अब मोहब्बत मांगते रहें। जी।